अगर उस दिन पीएम पर हमला होता तो फिर क्या करते एसपीजी कमांडो? एसपीजी हैं तो किस बात का गम है? मिनट भर में बदल जाता वहां का मंजर। जिंदगी में सबसे पंगा लेना, लेकिन एसपीजी कमांडो से कभी भी मत लेना। कहते हैं अगर पीएम मोदी पर थोड़ी भी आंच आती तो एसपीजी कमांडो दुश्मनों को धुआं बना देती। वह ये नहीं सोचते कि कितनी गोली निकली और कितने लोग मरे। एसपीजी वो तूफान है जो किसी भी सुनामी से कम नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो यमराज भी सामने हो तो एसपीजी कमांडो सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अब आपको बताते हैं एसपीजी घेरा दुनिया का सबसे ताकतवर घेरा क्यों कहा जाता है। एसपीजी कमांडो के पास जो भी सामान होता है उसकी अलग खासियत होती है। जैसे काला चश्मा से लेकर काले जूते तक, इनमें कोई न कोई गहरा राज छुपा होता है। एसपीजी कमांडो की सुरक्षा चार स्तर की होती है। पहले स्तर में एसपीजी की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। एसपीजी के 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कमांडो के पास FNF 2000 असोल्ट राइफल होती है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार होते हैं। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार होते हैं। काफिले में दो विशेष गाड़ियां चलती हैं, जिसमें विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए पूरी क्षमता होती है। हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर होता है। पीएम के काफिले में डमी कार भी चलती है जो किसी विषम परिस्थिति में उपयोगी होती है। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तब उनकी सुरक्षा एसपीजी कमांडो के हाथों में नहीं थी। दरअसल पीएम पद से हटने के बाद चंद्रशेखर ने राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटवा दी थी। लोग कहते हैं यदि पूर्व पीएम के पास एसपीजी होती तो आज राजीव गांधी जिंदा होते। एसपीजी के जवानों को गोली चलाने के पहले किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। पीएम की सुरक्षा पर रोज 1,62,00,000 खर्च होते हैं, यानी कि सालाना बजट की बात करें तो 592 करोड़। एसपीजी के हाथों में जो आप बैग देखते हैं, दरअसल यह बैग नहीं है, वह हथियार है जो पीएम को गोलीबारी से बचा सकता है, हमलावर को रोक सकता है। यह बुलेट प्रूफ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि एसपीजी कमांडो को गोली चलाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां एसपीजी कमांडो को लगता है जान खतरे में है तो वह किसी से ना परमिशन लेते हैं और ना ही कुछ सोचते हैं, दनादन गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ भी करो जीवन में, लेकिन एसपीजी कमांडो से पंगा मत लो। एसपीजी कमांडो के हाथ में जो हथियार होते हैं वह है FN-200 असोल्ट राइफल, जो सराउंड प्रति मिनट गोली चलाती है। यह 500 मीटर दूर खड़े व्यक्ति पर निशाना लगा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति छत पर बैठा हो और पीएम मोदी पर निशाना लगा रहा हो तो एसपीजी कमांडो 500 मीटर दूर से उसे ढेर कर सकती है। इससे अतिरिक्त कई गुप्त हथियार एसपीजी के जवानों के पास होते हैं। एसपीजी कमांडो के कान में ईयर प्लग भी होता है, जिससे वे पूरी तरह टीम के साथ जुड़े रहते हैं। एसपीजी कमांडो काला चश्मा इसीलिए लगाते हैं ताकि कोई धमाका हो या कोई तेज रोशनी उनकी आंखों में पड़े तो किसी भी परिस्थिति में उनकी आंखें बंद ना हो, साथ ही किसी भी केमिकल या गैस का कोई असर ना हो, इसीलिए वह हमेशा काला चश्मा लगा कर रखते हैं। एसपीजी कमांडो के पास इतनी ताकत होती है कि वह पीएम की बात सुनने के बाध्य नहीं होते। यदि उन्हें लगता है कि कोई खतरा है तो बिना हथियार के सूझबूझ से निपटने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मामला गंभीर हुआ तो एक सेकंड में गोली भी चला देते हैं। एसपीजी कमांडो के रहते प्रधानमंत्री को कुछ भी नहीं हो सकता। कमांडो यह बात अच्छे से जानते हैं। साल में उनके ऊपर 600 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जाते हैं? फिलहाल भारत के एक व्यक्ति को ही सुरक्षा दी जाती है और प्रधानमंत्री के साथ ही एसपीजी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पेप्टी टाइम, मध्य प्रदेश समाचार।